हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब देखो गर्मी आ गई है ना, तो मैंने कान्हा जी के ये निकाल दिए गर्मियों की ड्रेस। आज मैंने इन्हें यही पहनाई है। तो ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना कान्हा जी। इनका ना मुंह ऐसा आता है काला सा, लेकिन है नहीं इनका मुंह, अच्छे लगते हैं। लेकिन ये ना उसमें वीडियो में ही ऐसे आ रहा है। देख, मैं पूरे मंदिर का चेंज कर दिए, गर्म कपड़े हटा के वैसे कॉटन के कपड़े डाले हैं। देखो मंदिर के दर्शन कर लो आप लोग भी। ये फूल भी चढ़ा दिए मैंने, हमारे ऊपर गमले में लग रहे हैं वही चढ़ाए हैं मैंने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ जवे आज। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और ये थोड़ा सा जखिया, हींग और ये मेथी के दाने हैं। मैं ना हर एक में ना सब्ज़ी में दो चार मेथी के दाने डालती हूँ, सही होते हैं। वैसे भी मेथी तो खानी अच्छी होती है, हमारे हेयर के स्किन के लिए मेथी बहुत अच्छी होती है। और ना मुझे कान्हा जी को भोग लगाना है ना, तो इसलिए मैं ऑनियन तो डालूँगी नहीं, बस टमाटो और ग्रीन चिली। अब अपने टेस्ट के अनुसार ना आप वो डाल सकते हो, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून धनिया पिसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून मिर्च, क्योंकि मिर्च तो मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि दिव्यांशी खाती नहीं है ना मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें ना नमक भी डाल देंगे हम, क्योंकि टमाटर गल जाएंगे जल्दी। मसाला हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे जवे। ये ना रोस्टेड भी होते हैं जवे ना, ये इसका पैकेट रोस्ट वाला ही मिलता है, उसको हमें रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हल्का सा मसाले में डालें और थोड़ा पानी डाल दो तो ये हो जाते हैं, एकदम बनते हैं ये इंस्टेंट। अगर भूख लग रही हो तो एकदम फटाफट बनते हैं। ये देखो बस पानी इतना ही डालना है ताकि ये जवे इसमें डूब जाए, और बस ये हो जाएंगे एकदम बनते हैं। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये बन गया, कितने खिले खिले बने ना। इसमें पानी थोड़ा कम रखो ना तो ये ऐसे बनते हैं। देखो लग रहे हैं ना देखने में अच्छे। चलो अब हम करते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रूट्स भी खा लो, सुबह सुबह एप्पल खाना चाहिए खाली पेट, इसलिए पहले अब एप्पल ही खाएंगे हम। और ऑरेंज तो सोनू को पसंद है, इसलिए उसके लिए आई है। देखो फ्रेंड्स, मैं ना मलाई निकाल रही हूँ, इसमें से घी निकाल रही हूँ। ये देखो मलाई है, मैंने निकाल के रख दी थी सुबह ही। अब इसको मिक्सी में घुमा के और फिर निकालती हूँ मैं घी। आप लोगों ने बोला था ना कि मैं कैसे निकालती हूँ घी, आप बताना, तो इसीलिए मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। ये देखो ये मैंने मिक्सी में घुमा दिया था। ये देखो ये जो साइड में है ना, ये मक्खन निकल गया है। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दो ना फ्रिज का, तो एकदम निकल जाता है। थोड़ी देर बस मिक्सी में करो, इसको घुमाओ और ये मक्खन निकल जाता है। अब इसको मैं कढ़ाई में निकाल लूँगी। ये देखो ये मैंने कढ़ाई में निकाल लिया था ना, मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब इसका घी निकल जाएगा, इससे ना घी एकदम निकल जाता है इंस्टेंट एकदम। ये देखो कितनी जल्दी निकल गया ना, इसमें मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं, ये एकदम घी निकल जाता है। ये देखो निकल गया, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना घी निकला हुआ। ये जम गया था, मैंने उसके बाद लिया ये क्लिप ना। ये हमारा रात का खाना है, मैंने लौकी की ये बनाई थी सब्जी और ग्रीन चटनी है, रायता है खीरे का और रोटी है। आ जाओ आप लोग भी खा लो खाना। आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।